हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने Realme डिवाइस पर डाटा बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी Realme डिवाइस है तो दोस्तों आप इजीली डाटा को बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं अपने Realme डिवाइस पर। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप डाटा को बैकअप करने के बाद कैसे आप अपने Realme डिवाइस पर रिस्टोर कर सकते। तो दोस्तों बिना गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो Realme डिवाइस को बैकअप करने के लिए आपको सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नीचे की तरफ एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली से एडिशनल सेटिंग ओपन करना है और नीचे की तरफ आपको बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपली से क्लिक कर देना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। अगर आपके डिवाइस में कोई भी बैकअप नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं क्रिएट ए बैकअप, जस्ट इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फाइल सेलेक्ट करना है जो आप बैकअप करना चाहते हैं। जैसे कि हो गया, आप कॉन्टैक्ट सेव करना चाहते हैं तो दोस्तों कॉन्टैक्ट को चेक कर लीजिए, मैसेजेस सेव करना चाहते हैं तो दोस्तों मैसेजेस चेक कर लीजिए। ऐसे ही आप सभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट बैकअप, सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए और आपको कुछ इस तरीके का वार्निंग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वार्निंग है कि जितने भी बैकअप होगा सभी आपके फोन स्टोरेज पर होगा और बैकअप हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये बैकअप फाइल को किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में मूव कर लेना है। तो अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है तो दोस्तों आप मेमोरी कार्ड पर मूव कर सकते हैं या तो फिर आप कंप्यूटर पर भी मूव करके रख सकते हैं इस बैकअप फाइल को। आपको क्या करना है, बैकअप नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं बैकअप सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ पर बैकअप फाइल देखने को मिल जाएगा February 24 और यहाँ पर आपको टाइम भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने सक्सेसफुली बैकअप कंप्लीट कर लिया है अपने Realme डिवाइस पर। तो दोस्तों अगर आपके मन में सवाल है कि ये बैकअप फाइल कब काम आएगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी अपने Realme डिवाइस को फैक्ट्री डाटा रिसेट करते हैं तो दोस्तों आपका जितना भी फाइल से सभी डिलीट हो जाएगा, तब आप क्या कर सकते हैं, इस बैकअप फाइल से सभी डिटेल्स को बैकअप कर सकते हैं। आपका वहां पर कॉन्टैक्ट सेव है, मैसेजेस सेव है और आपका जो Realme का सेटिंग्स है वो भी सेव है। तो दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर आपको बैकअप किया हुआ फाइल देखने को मिल जाएगा। आपको कहाँ जाना है, आपको सिंपली फाइल मैनेजर पर जाना है और आपको जाना है फोन स्टोरेज पर और आपको जाना है ऑल फाइल्स पर और आपको यहाँ पर बैकअप बोल के एक फोल्डर दिखाई देगा जहाँ पर सभी डिटेल्स सेव है। यहाँ पर आपको सभी एप्लीकेशन का डिटेल्स मिल जाएगा और यहाँ पर आपको सभी कॉन्टैक्ट्स, क्लॉक डिटेल्स, मैसेजिंग सेटिंग्स, SMS, वेदर और भी बहुत सारे चीज़ों का बैकअप देखने को मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये फाइल को मूव कर लेना है अपने किसी भी एक्सटर्नल ड्राइव में, जैसे कि आपके मेमोरी कार्ड, अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर है तो दोस्तों आप कंप्यूटर में भी मूव करके इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस डाटा को रिस्टोर करना चाहते हैं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फिर से एडिशनल सेटिंग्स पर जाना है। उसके बाद आपको बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको फिर से जाना है बैकअप एंड रिस्टोर वाले ऑप्शन पर और आपको यहाँ पर सिंपली से क्लिक कर देना है और आप यहां पर देख सकते हैं स्टार्ट रिस्टोरिंग। अगर आप कभी भी अपने Realme डिवाइस पर फैक्ट्री डाटा रिसेट करते हैं तो आप यहां से सिंपली से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये रिस्टोर हो रहा है और आप यहां पर देख सकते हैं रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने Realme डिवाइस को एक बार जरूर बैकअप कर लीजिए ताकि अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपने Realme डिवाइस पर फैक्ट्री डाटा रिसेट करते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही इजीली बैकअप किया हुआ फाइल से अपने Realme डिवाइस को रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय कुमार, मिलते हैं ऐसे एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।